एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे. तो अभी हम लोग कुल्लू से मनाली की तरफ निकल गए हैं, जैसे मैंने आपको रास्ता दिखाया. और रास्ते में मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाया, लेट हो गए थे. एक्चुअली हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो रात में अच्छे से सोए, सुबह लेट तक सोए थे, 7 बजे तक. उसके बाद तैयार वगैरह हुए, अभी निकले हैं और अभी हम रास्ते में ब्रेकफास्ट करने रुके हैं. टाइम जो है वो 10:45 के आसपास का हो रहा होगा. तो आजकल हमारा ब्रेकफास्ट लंच जो है वो लेट लेट हो रहा है. तो अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में. ये रुके हैं हम यहाँ पर, हाईवे पे है ये. मेरा फोटो बाद में लेना. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू ऑल? तो इधर मेरी फोटो ली है, अच्छी है. ये देखो कैमरा में क्वालिटी अच्छी होती. चलो अंदर गए वो, तो इधर बहुत है. बाहर बैठते हैं ना हम भी. कितने प्यारे वो बने हैं इधर. हाय, मैं वो अच्छा है ना यहाँ पे वो. ये क्या चीज है? टैंक वैंक बनाया है शायद, प्यारा लग रहा है. इनका चल पड़ा शूट, लोकेशन अच्छी मिले इनको. तो ये देखो, तो अभी ना जहाँ जहाँ इनको अच्छा लग रहा है वहाँ पे ये शूट कर रहे हैं, बाकी बाद में क्या फाइनल होगा कोई पता नहीं है. तो यहाँ पर इनको लोकेशन अच्छी सी लगी तो इन्होंने कहा चलो एक दो शॉट्स यहाँ भी ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है देखो इस तरीके से. तो यहाँ पर भी शायद लेंगे. तो जब प्री वेडिंग शूट पूरा होगा ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. तो जी आ गए हैं हमारे परांठे और ये चाय आ गई है. प्लेट से इधर का. लो प्रिय. दोबारा बोल. लो प्रिय. लो जी. यार ऑयली है बहुत ज़्यादा, ले ले चाय दे. अपने शॉट में एक तो अच्छा ही होगा मेरा. चाय दे. अरे सब बेस्ट है यार. हाँ बस, तो मैं ही तो एक्टर. ये दे, तू ही एक्टर है. चाय देख दे. हमारा ब्रेकफास्ट और यहाँ पर 2-3 शॉट्स भी हो गए. हम चलते हैं. जीजा जी मुस्कुराते हुए. आपकी मुस्कुराहट का मेरा फोन किसके पास? मेरे पास. मुस्कुराहट की वजह? आपकी मुस्कुराहट की वजह आप जो है आज मैं हूँ. तो जी अभी हम निकल गए हैं मनाली की तरफ. मनाली यहाँ से 18-19 किलोमीटर बाकी है. कौन सी जगह है ये जीजा श्री? जगह का नाम कौन? ये बड़ा ग्राम से आगे निकल गया. बड़ा ग्राम से आगे. मनाली 12 है. मनाली 12 किलोमीटर रह गया. बड़ा ग्राम से हम आगे निकल गए हैं और रोड की कंडीशन काफी अच्छी है. जब मैं पहले आई थी ना तब बहुत खराब थी. ट्रैफिक की है. रिवर व्यू राफ्टिंग के लिए बहुत जबरदस्त वो है ये वाली बेल्ट. जी ये हम निकल गए हैं अटल टनल की तरफ मनाली क्रॉस होके. बाजार जो है वो ऊपर को कट गया है. तो यहाँ से 30-32-35 किलोमीटर होगा शायद. बोर्ड नहीं लगा कहीं, आगे लगा है. तो ये आप देख सकते हैं 24 किलोमीटर है. 24 किलोमीटर हम जाएंगे यहाँ से.
4 किलोमीटर है यहाँ से अटल टनल और 9 किलोमीटर की वो टनल है, तो बस हम यहाँ से निकल गए हैं। पहले हम उधर ही जा रहे हैं, वहाँ से आगे खूबसूरत सी वैली है सिसु वैली, वहाँ की तरफ जा रहे हैं और लोकेशन आप देख सकते हैं मज़ेदार। यहाँ से राफ्टिंग वगैरह होती है यहाँ बैक साइड से। मुझको शराबी बना दिया, ये सुर भी हमने बिगाड़ दिया। ये जो अच्छा है, अच्छी वॉइस है। लुक एट द व्यू गाइस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो ये हम किसी ब्रिज पे है, सोलंग वैली जो है वो 3 किलोमीटर रह गई है यहाँ से। और क्या देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं सोलंग वैली, लेकिन यहाँ से हम लोग आगे ही जाने वाले हैं, पहले वापसी में रुकेंगे यहाँ। को कहा जाता है सोलंग वैली, और यहाँ है रोहित वो पैराग्लाइडिंग और ये रोप वे। किधर गया रोप वे, इसमें नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये रोप वे है, तो ऊपर कहाँ जाते होंगे, इससे ऊपर जाते हैं टॉप पे। तो ये है जी सोलंग वैली, बहुत अच्छी लोकेशन। लेकिन अभी यहाँ रुकने को मना की गई है, हम जा रहे हैं आगे, बेल्ट लगी है तो चेकिंग होगी, गाड़ियाँ बहुत हैं। ये देखिए जाम। वो 4 किलोमीटर है अभी अटल टनल, अभी हमने यहाँ देखा था, पीछे देखा था, तो व्यू इतना अच्छा है ना, ठंडी ठंडी हवा रही, एकदम मज़ा आ गया। फिर आ गया वही वाला गाना। अच्छा अभी यहाँ से ऊपर जाना है, तभी तो चुपरा में चेंज करा था गाना। अच्छा कौन सा, ठंडी हवा पे बोल बोल दोबारा गा। पंछी बनो तेरा, लुक एट द व्यू गाइस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 10,000 feet. Yes. तो ये जो टनल है ये 10,000 feet की ऊंचाई पर है, से ऊपर है। Near about 10,000. Yes. 10. Always alert. Avoid accident. Stop. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए जो हम अभी तक वीडियो और फोटोज में देखते थे, तो ये देखिए जी आज तक हम वीडियोस में देखते थे। अरे वापस मुड़ाएंगे तो निकलते हैं। ये देखिए जी,
तो अभी हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, लोग यहाँ फोटोज वगैरह कर रहे हैं, हम सीधे निकलेंगे रोहतांग अटल टनल के अंदर। फिर कैसा लग रहा है सब लोग, बोलो बोलो कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सट्रीम लेवल की खुशी हो रही है। इतनी ऊंचाई पे इतनी लंबी टनल में हम जा रहे हैं। जय माता दी। ओ वाओ, हम टनल में अंदर हुए हैं। अब देखते हैं कितनी देर में हम बाहर निकलेंगे। कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा ही आ रहा है, मजा ही आ रहा है। और ठंडी हवा है ना यहाँ पे, सही में बाहर इतनी ठंडी हवा नहीं थी, लेकिन टनल में अंदर कहाँ से इसमें होंगे ना वेंटिलेशन का कुछ। इसमें एक तरह से लग रहा है कि हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, दूसरे गोले पे जा रहे हैं। चाइना में रुकेंगे, दूसरे गोले पे जा रहे हैं। अभी ये ड्राइवर जो है सीधा चाइना जाके रुकेगा है। ब्लैक होल नहीं लग रहा है, ब्लैक होल जो सुना था वो ही पाया गया। रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन जो है वो मैच हो गई, मैच की गई है। तो अभी हम बिल्कुल टनल के बीचों बीच है, 4.5 किलोमीटर यहाँ से और है, 4.5 किलोमीटर हम आ गए हैं। 9 किलोमीटर की है ना, 4 किलोमीटर रह गई है यहाँ से टनल दिखा रहा है। लाहौल में एंटर हो गए हम, और एक 12 पे चले थे और एक 22:23 है ना, अभी अभी 1:23 हुआ है, मतलब 10 से 11 मिनट लग जाते हैं। तो ये लाहौल में हो गए ना मेंटर। बड़ा मैं कुछ ऐसा बोलूंगा तो ये आप देख सकते हैं चंद्रा ब्रिज, कारगिल तो हमने नहीं जाना, चंद्रा ब्रिज है जी ये, आगे देखते हैं कहाँ नहीं जाना, कारगिल ही चल पड़ तू। हमने किधर को जाना है देखो ना, आगे किधर लिखा है वो हेडिंग में लिखा श्री श्री एक है श्रृंगार, किधर को श्रीनगर यार है, सुमदो काजा रोहतांग सिसु सिसु उधर को, थैंक यू, चश्मे बड़े अच्छे लगा रखे सब ने यार, बोलो वापसी में ले ली। तो जी इस तरफ को अब हम जाएंगे सिसु वैली की तरफ, और ये देखिए खूबसूरत सा व्यू। आज ये फाइनल करके ही आए गए हैं। तो ये देखिए जी ये है पहाड़ों के बीच टनल, और ये है चंद्र, कौन सी चंद्र है, कौन सी वो आई है नदी, तो
सो जी लेह यहाँ से 396 है, उदयपुर उदयपुर है यहाँ से 75 किलोमीटर, राजस्थान वाला नहीं है ये। तो ये देखिए हर बहुत ज्यादा खूबसूरत था यहाँ तक, और यहाँ से आगे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बारिश ना हो बस, मौसम जो है ना बिल्कुल बादल बादल हो गए हैं। कल भी एंड जब हम जी भी उसमें गए थे ना वाटरफॉल में, इतनी तेज बारिश हुई, भीग गए थे हम लोग। तो अभी हम कहीं भी नहीं रुक रहे हैं, हम वापसी में रुकेंगे जहाँ भी रुकेंगे। तो अभी हम सीधा अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वहाँ पर टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारा जो हीरो है वो टेक बहुत लेता है, तो इसलिए हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा पहले। और बारिश के आसार भी लग रहे हैं, इसमें तो नहीं आएगा ना ऑफ रोड, तो बारिश कम होती है, कम होती है हिमाचल में सबसे कम बारिश, सही में लाहौल स्पीति में होती है ना। तो अभी यहाँ तो कौन सा लाहौल, नहीं नहीं तो ऊपर ऊपर जाके होती होगी ना, बर्फ बहुत पड़ती है यहाँ पे ना। जब सर्दियाँ होती है ना तो यहाँ से आगे जाना बहुत ही रिस्की होता है, यहीं तक सब लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह, ऑफ रोड और उधर को। तो जैसा आपने देखा अभी हम लाहौल में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे एक सिसु विलेज है, सिसु वैली है, बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, और वहाँ एक वाटरफॉल भी है और लेक भी है सिसु लेक। तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ पर इनका शूट होगा। तो इससे आगे का जो है ना वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ खूबसूरत सी लाहौल की वादियों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।